वो है हेस का ऊष्मा संकलन का नियम। हेस का ऊष्मा संकलन का नियम या संकलन नियम ऐसा भी लिख सकते हैं। संकलन मतलब क्या होता है? जोड़ना, इकट्ठा करना, है ना। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को या कोई प्रक्रिया को एक पद में किया जाए या एक से अधिक पद में किया जाए, कुल ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन यानी कुल उत्सर्जित ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा का मान प्रत्येक दशा में एक जैसा ही होगा। मतलब क्या है? देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन अथवा ऊष्मा अवशोषण या उत्सर्जन की मात्रा समान रहती है, चाहे इस प्रक्रिया को दो या दो से अधिक विधियों में, एक या एक से अधिक पदों में संपन्न कराया गया हो। तो इसका मतलब यह है कि ऊष्मा परिवर्तन का मान प्रक्रम के प्रकार पर निर्भर नहीं करता कि आप उस प्रक्रिया को किस तरीके से कराते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिद्ध करना है, हमारा ये नियम कहता है कि भाई ए से बी में जो परिवर्तन हुआ, इसमें जितनी ऊष्मा उत्सर्जित हुई, आप चाहो तो इस पद से चलो या पहले ए से क्या बन जाए, सी बन जाए, फिर सी से क्या बन जाए, बी बन जाए। तो हमारे पास ए से बी में परिवर्तन के बीच वाले को छोड़ देते हैं, दो रास्ते हैं। प्रथम रास्ते में मान लो ऊष्मा परिवर्तन Q1 है, द्वितीय रास्ते में A से C के लिए Q1 और A से B के लिए Q2। तो नियम कहता है, नियमानुसार Q1 बराबर होना चाहिए Q1 प्लस Q2 के, यानी दोनों ही प्रकार से परिवर्तन कराने पर कुल ऊष्मा का मान समान होना चाहिए। ये नियम है। अब अगर कोई कहे कि नहीं भाई अलग हो सकता है, तो चलिए सिद्ध करें कि अलग क्यों नहीं हो सकता। सिद्ध करना, तो सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना Q1 प्लस Q2 एक नई राशि है Q2, और Q1 से बड़ा है Q। भाई बराबर नहीं है मतलब क्या होगा? एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, किसी को भी बड़ा या छोटा मान सकते हैं। तो मान लीजिए Q2 बड़ा है, ये है ना, ये ओवरऑल क्या है, Q2 है, Q2 बड़ा है। माना ए से बी परिवर्तन ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा क्षेपी है, और द्वितीय विधि से कराया जाता है, द्वितीय विधि से कराया जाता है। तो द्वितीय विधि में उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? Q2 होगी, क्योंकि द्वितीय विधि हमारी ये है, ये प्रथम विधि है। अतः B से A परिवर्तन, भाई ए से बी अगर ऊष्मा क्षेपी है तो उसका रिवर्स क्या होगा? ऊष्मा शोषी होगा। और प्रथम विधि से संपन्न किया जाता है, कराया जाता है, तो अवशोषित ऊष्मा कितनी होगी? प्रथम विधि में इसका मान है Q1। तो अब ये मान के चलो
कि हमको जब जब ए से बी का परिवर्तन कराना है, हम प्रथम विधि की बजाय द्वितीय विधि से चलेंगे, तो हमको कितनी ऊष्मा मिलेगी, Q2। मान लो Q2 का मान 100 इकाई है, तो हम ए से बी गए और हमको 100 इकाई ऊर्जा मिली, और बी से ए वापस आना है, तो हम उसी रास्ते को नहीं करेंगे, हम चीटिंग करके ए वाले से वापस आएंगे। अब ए वाले में आपको जो खर्च करना है वो 80 इकाई, तो ऐसे में नेट प्राप्त ऊष्मा ये होगा Q2 - Q1, जो कि किसके बराबर होगा, डेल क्यू, है ना। एक चक्र में नेट प्राप्त ऊष्मा कितनी होगी, डेल क्यू, मतलब हम ए से बी दूसरे रास्ते से जाएंगे और बी से ए पहले रास्ते से आएंगे, फिर ए से बी जाएंगे, फिर बी से ए आएंगे। मतलब ये ऐसा है कि आपकी गाड़ी में हमने कहा कि भाई 1 लीटर पेट्रोल हम डलवा रहे हैं, और ये 1 लीटर पेट्रोल आपकी गाड़ी में कॉलेज भटक आपके घर से कॉलेज जाने के लिए एकदम सही है, खत्म हो जाता है वहां वहां फिर डलवा लेना, ठीक है ना। आपने देखा कि भाई ठीक है, कॉलेज जाने में आपको सिर्फ आपने दूसरा रास्ता चुना, छोटा रास्ता, 800 मिलीलीटर तेल खर्च हुआ, पर वापसी आपको किससे करनी है, वापसी आपको दूसरे रास्ते से करनी है जिसमें तेल मिल रहा है आपको। एक चक्कर के लिए 1 लीटर बोला गया, लेकिन आपने चीटिंग कर दी, आपने चीटिंग के लिए छोटा रास्ता चुन लिया जिसमें 800 ml खर्च हो रहा है, तो ऐसे में एक चक्कर में आपको 200 मिलीलीटर तेल का फायदा हो रहा है, तो आप क्या करोगे, दिन भर चक्कर ही लगाओगे और हर चक्कर में आपको 200 मिलीलीटर का फायदा होता जाएगा, तो बढ़िया कमाई हो गई। तो यहां भी यही हो रहा है, अगर हम ये मान लेते हैं कि दोनों पदों में ऊष्मा परिवर्तन का मान अलग अलग है, तो स्वाभाविक तौर पे एक चक्र में हमको नेट कुछ ऊष्मा प्राप्त होगी, जो कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की खुली अवहेलना है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है, यानी यहां आपने क्या किया, एक ऐसी मशीन बना ली जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है, बिना कुछ खर्च लिए लगातार ऊर्जा दे रही है, ऐसा तो संभव नहीं है। तो यह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की अवहेलना है। ऐसा संभव ही नहीं। कुछ पूछना है? अतः Q2 बराबर Q1 यही संभव है। फिर से एक बार बता रहा हूं, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ें, मैं मान लेता हूं उत्सर्जित ऊष्मा 100 किलो जूल है, अवशोषित ऊष्मा 80 किलो जूल है, तो एक चक्र आपने पूरा चलाया तो आपको कुल ऊष्मा की बचत हुई 100 - 80, 20 किलो जूल। फिर आप क्या करोगे, फिर एक चक्र चलाओगे, फिर एक चक्र चलाओगे, यानी आप एक ऐसी मशीन बना रहे हो जो हर चक्र में बिना कोई ऊर्जा खर्च किए, बिना कुछ बाहर से उसको कोई कार्य किए, लगातार 20 किलो जूल ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक प्रकार की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रकार की ऊर्जा को नष्ट होना ही पड़ता है, बिना समान ऊर्जा, समान मात्रा की ऊर्जा या कार्य को खर्च किए किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के हिसाब से संभव नहीं है, जो कि यहां दिख रहा है कि हो रहा है, पर ऐसा सही नहीं है। ये तो थ्योरी है, थ्योरी है, हमने माना हुआ है, तो हमारा ये मानना कि Q1 Q2 से छोटा है या Q1 Q2 से बड़ा है, ये पूरी तरह से गलत है। सिर्फ सही एक ही चीज हो सकती है कि Q1 और Q2 क्या हो, बराबर हो। ठीक
ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अगर इसमें किसी को डाउट है, समझने में कोई थोड़ा बहुत फंस रहा है कि अरे पता नहीं क्या क्या बोल के निकल गए, कोई है तो बताइए, मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूं। किसी को नहीं, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या है? ये हमको एक बहुत सरल गणना देता है, सरल तरीका देता है। इसका कार्बन डाइऑक्साइड वाला उदाहरण भी है ना, आप उस उदाहरण को दे सकते हैं बुक से देख के। उस उदाहरण में क्या है बता देता हूं, सरल सा है। उस उदाहरण में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को दो तरह से बनाया है, ठीक है। पहली विधि, कार्बन को ऑक्सीजन की पूरी उपलब्धि में जला दिया, CO2 बना, जो ΔH का मान आया हमको वो हमारे लिए आया -94.3 किलो कैलोरी। ऊष्मा के रूप में लिखेंगे तो 94.3 किलो कैलोरी। दूसरी विधि, हमने कहा नहीं, एक पद में नहीं बनाएंगे, कार्बन को आधे ऑक्सीजन से क्रिया करवाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, यहां लगभग 26 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त हुई। फिर दूसरे पद में हम कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, फिर H2O से क्रिया करा रहे हैं, तो ये CO2 बन रहा है। इस बार हमको मिल गया 68.3 किलो कैलोरी। तो अगर आप देखो, जैसे यहां तो जीरो है, आप इसको जोड़ो तो कितना आ जाता है, 94 किलो कैलोरी। ये जो 0.3 का अंतर आपको दिख रहा है वो प्रायोगिक त्रुटि के कारण है, अंतर ऐसा होता नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि किसी अभिक्रिया को चाहे हम एक विधि से कराएं, दो विधियों से कराएं, एक पद में कराएं या एक से अधिक पद में कराएं, कुल ऊष्मा परिवर्तन का मान हमेशा क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। तो ये नियम हो गया। अब इसकी सहायता से आप अनेक गणितीय आंकड़ों को हल कर सकते हैं जो आपके में पूछा जाता है। मैं आपको एक हल करके बताता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, बात को समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत हो तो 2-3 बार 4 बार उसी को देखिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे लिखित में आपको दिया हो सकता है या रिएक्शन भी दिया हो सकता है, दिया है बेंजीन के संभवन की एंथैल्पी ज्ञात करो, जो ज्ञात करना है उस रिएक्शन को सबसे ऊपर लिखेंगे हम। कह रहा है भाई बेंजीन के संभवन, संभवन यानी निर्माण कि एंथैल्पी ज्ञात करो, भाई करो। चलो कैसे करेंगे, तो पहले इसका रिएक्शन बना लेते हैं। बेंजीन बनाना है तो बेंजीन का सूत्र है C6H6, ये बनेगा 6 कार्बन से और 3H2 से। ये रिएक्शन को हम एक डब्बे में बंद करते हैं क्योंकि ये हमको प्राप्त करना है, ऐसे थ्योरी में लिख लिया लेकिन इसको हल करके भी निकालना है। तो क्या क्या सहयोग में दिया हुआ है, क्या क्या आंकड़ा दिया हुआ है? बेंजीन कार्बन व हाइड्रोजन की दहन एंथैल्पी दी हुई है, ठीक है ना, दहन की ऊष्माएं दी हुई हैं, एंथैल्पी नहीं है। तो दहन एंथैल्पी में माइनस लगा देंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है, बेंजीन कार्बन व हाइड्रोजन, तो बेंजीन के दहन का रिएक्शन बनाएंगे। मैंने कहा था दहन का रिएक्शन बनाने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे, एरो बनाएंगे, जितना कार्बन है उतना CO2 बनाएंगे, जितना हाइड्रोजन है उसका आधा H2O बनाएंगे, 6 × 12 = 3 = 15, यहां कुछ नहीं है तो 15/2 O2 लिख देंगे। फिर कह रहा है कार्बन, तो ये तो हमको याद है, जो याद है उसमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, और हाइड्रोजन तो एक ले लेंगे, यहाँ H2O लगता है, ये पता है हमको, ये H2O बन गया। अब इनके लिए जो ΔH का मान है ये अलग अलग है, पहले बेंजीन के लिए है 7,54,300,
या हम ये कहें 754.3 किलो कैलोरी, 754.3 किलो कैलोरी। डेल एच इसके लिए 94.38 और वाटर के लिए 68.3 है। अच्छा, यहां माइनस लगेगा क्योंकि दहन की ऊष्मा हमेशा क्या होती है, ऊष्मा क्षेपी। तो आप ये लिखते समय ऋण चिन्ह जरूर लगाएं। बुक में ऊष्मा के रूप में दिया हुआ है, ऊष्मा का जो चिन्ह होगा एंथैल्पी का चिन्ह ठीक उससे उल्टा होगा। ऊष्मा का चिन्ह अगर धन में है तो एंथैल्पी का चिन्ह ऋण हो जाएगा, ऊष्मा का चिन्ह अगर ऋण है तो एंथैल्पी का चिन्ह धन हो जाएगा। अब आपको इन तीन अभिक्रियाओं की सहायता से आपको ये वाली अभिक्रिया बनानी है। किसी भी सूत्र में हम अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एक नियम ध्यान रखें। तो हमको ये देखना है कि हमको अभिकारक में क्या चाहिए, कार्बन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए। तो कार्बन किस अभिक्रिया में है पूरा? तो आपको लगेगा सर पहले वाले में भी है, नहीं, पहला वाला बेंजीन है, कार्बन अलग नहीं है, अलग कार्बन ढूंढना है क्योंकि यहां अलग कार्बन चाहिए। अलग कार्बन सिर्फ अभिक्रिया नंबर 2 में है। तो अभिक्रिया 2 में कितना कार्बन है? 1। हमको चाहिए कितना? 6। पूरी अभिक्रिया में 6 का गुणा कर देंगे और इसको उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा हल 6 कार्बन प्लस 6 O2, 6 CO2। और डेल एच के में भी मान में 6 का गुणा करेंगे, 6 दुनी 12, 6 3 18, 1 6 4 24, 1 25, 2 6 5 30, 2 32, 3 6 7 कितना होता है भाई, 6 7 42, 6 7 42, 42 और 3 45, ये लो। तो ये माइनस आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे, पहली चीज चेक हो गई हमारी, मिल गया। दूसरा हाइड्रोजन कहाँ है? तो H2O में भी है, यहां भी है, नहीं ये नहीं चाहिए हमको, तो फ्री हाइड्रोजन चाहिए, मुक्त हाइड्रोजन, H2 यहां है। कितना है? 1 है, सामने लिखा अंक ही संख्या बताता है। चाहिए कितना? 3। 1 है, 3 चाहिए, 3 का गुणा कर देंगे, और अभिक्रिया को गुणा करके उतारेंगे। 3H2 प्लस 3 का गुणा इससे होगा तो 3/2 O2, 3H2O, और डेल एच को हम फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24, हाथ में आई 2 3 3 9, 2 11, हाथ में आई 1 3 8 24 और 1 25, 2 3 6 18 19 और 20, ये लो हो गया। तो दो दो अभिक्रियाएं लेंगे और उनको जोड़ देंगे। जोड़ इसलिए रहे हैं ताकि चिन्ह परिवर्तन ना करना पड़े, नहीं तो घटाते भी हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम चीजों को सरल करके करें। तो जोड़ने का मतलब है तीर के बाएं साइड की चीजें जुड़ जाएंगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप बिल्कुल सूत्र में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे एक्स वाई को जोड़ते हैं तो x x के साथ ही जुड़ेगा, y के साथ नहीं जुड़ेगा, और x y के साथ जुड़ेगा, x और y के साथ नहीं जुड़ता है। अलजेब्रा पढ़ा हुआ है आपने, नियम ध्यान रखेंगे। तो 6 कार्बन है, 3 H2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन समान है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़े भाई, 6 और 1.5, 7.5। 7.5 का मतलब हुआ 15/2, 7.5, 7 1/2, 7 2 14 और 1 15, 15/2, ठीक है। इधर लिखेंगे 6 CO2 प्लस 3 H2O, चूंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं इसलिए जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइनस सीधा जोड़ देना है। 4 8 1 9 5 5 10, 1 2 और 1 3, कहीं कुछ गलत किया मैंने,
68 है। हाँ ठीक है। दो और एक 3, फिर ये हो जाएगा 5 और 2 7, और ये आ जाएगा आपका। हाँ तो गलती कहाँ हुई है भाई? गलती दशमलव लगाने में हो गई है। देखो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद होना चाहिए ना। 8 4 12 की 2 1, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 4 और 2 -657.72। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ गलती गुणा करने में भी हुई है, मैंने ऊपर वाले में गुणा कर दिया है 6 का, जबकि गुणा 1 मिनट नीचे वाले। यही चीजें ध्यान रखेंगे, देखते गलती कहाँ हो रही है। मैंने बेंजीन वाला मान गुणा करके कार्बन वाले मान में रख दिया है, ये ठीक नहीं। वाटर वाला सही है, बेंजीन वाले इसको कर देते हैं। 6 8 48, 4 6 दुनी 12, 6 3 18, 18 और 4 22, 6 चौक 24, 25 26, 6 नियत 54, 55 56। ये लो ठीक है, आ गया, तुरंत करेक्ट किया। जोड़ को करेक्ट करेंगे, 8 4 12 की 2, 2 और 1 3 1 4, 6 5 11, 1 6 और 1 7, 5 और 2 7। ठीक है, अब ये तो हो गया। इसके बाद आइए तीसरी चीज। तो ये हमारा हाइड्रोजन भी मिल गया हमको। अब अभिक्रिया में क्या चाहिए? बेंजीन चाहिए। कहाँ है भाई हमारे पास बेंजीन? पहली अभिक्रिया में। लेकिन एक खास अंतर है, संख्या मैच कर लीजिए, संख्या यहाँ एक ही बेंजीन है, यहाँ भी एक ही है, यानी संख्या में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ बेंजीन उत्पाद में है और यहाँ कहाँ है? अभिकारक में। तो अगर सबसे पहले तो ये देखिए कितना चाहिए, जितना चाहिए उतने का गुणा करना है, तो एक चाहिए तो कोई जरूरत नहीं। और दिशा देखिए, बेंजीन चाहिए उत्पाद के साइड और दिया हुआ है अभिकारक के साइड, तो अभिक्रिया को पूरा पलट देंगे। जो अभिकारक है उसको उत्पाद बना देंगे, जो उत्पाद है उसको अभिकारक। तो डेल एच का चिन्ह घूम जाएगा, चिन्ह प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो कुछ चेंज नहीं करना है, इस अभिक्रिया को पलट के लिख देना है। तो पलट के लिखिए, 6CO2 + 3H2O आपको मिल जाएगा C6H6 + 15/2O2, और डेल एच का चिन्ह आपके पास है माइनस का प्लस 754.3। इनको आप जोड़ देंगे, है ना। अब घटाने वाला काम नहीं, हमने पलटा दिया है तो समझ लो घटा ही रहे हैं। तो आप देखिए 6CO2 इधर भी है, 6CO2 इधर भी है, 3H2O लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है, 15O2 इधर इधर है। बचा क्या? लेफ्ट साइड बचा 6 कार्बन + 3H2, और राइट साइड आपको बचा C6H6। अब आप इनको, चिन्ह अलग है इसलिए ये जुड़ने की बजाय बड़े मान से छोटे मान को घटा देंगे, तो 71 बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 7, और 7 में से 6 1, बाकी सब क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये आपका आंसर है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। किसी को दिक्कत है इसमें? हाँ माइनस में आएगा, बिल्कुल चिन्ह का ध्यान रखेंगे, है ना, बिल्कुल करेक्ट है, माइनस में आएगा और गुणा नहीं लगाएंगे, बस इतना काफी है, करेक्ट है। किसी को दिक्कत भाई? स्टेप समझ में आ गए कैसे बनाना है? तो ये आपका चैप्टर लगभग खत्म होता है।
देखो कोई भी अभिक्रिया दी हो आपको, जैसे मान लो एक अगला पढ़ता हूं मैं, निम्न आंकड़ों की सहायता से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनी मेथेन की संभवन एंथैल्पी, तो आपको किसी न किसी चीज को बोले इसके दहन की एंथैल्पी निकालिए, इसके संभवन की, तो जिसके लिए भी निकालने को बोल रहा है, अगर संभवन बोल रहा है तो संभवन का मतलब वो बनाना है, ठीक है, तो उसका रिएक्शन पहले बना लीजिए। रिएक्शन बनाना कल सिखाया है मैंने आपको, आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर दहन बोलता है तो उसके दहन की अभिक्रिया को बना लीजिए और उसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, आपका काम खत्म ब्रैकेट वाला। अब आंकड़े आपको दिए जाएंगे दो रूप में, या तो वर्ड्स के रूप में दिए जाएंगे तो रिएक्शन बनाना पड़ेगा, और या तो अभिक्रियाएं लिख के दे दी जाती हैं आपको, फिर आपकी प्रॉब्लम अभी हल है। तो ये तीन मान, तीन रिएक्शन के मान आपको दिए जाएंगे, रिएक्शन के साथ दिए जा सकते हैं, रिएक्शन के बगैर दिए जा सकते हैं। रिएक्शन के साथ दिए तो कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन के बगैर दे दे तो फिर रिएक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैंने बना के बताया आपको कैसे बनेगा, ये आपके प्रश्न का हिस्सा है। हल क्या है, हल करके हमको प्राप्त करना है ये जो हमने पहला रिएक्शन बनाया है, उसी रिएक्शन को इनकी सहायता से ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि हमारे अभिकारक की ओर कौन कौन है और कितनी संख्या में है, फिर हम अभिक्रिया में उसको ढूंढेंगे कि वो कहाँ कहाँ है। हो सकता है कि आपकी चीजें अभिकारक के ही साइड मिल जाए, हो सकता है उत्पाद की तरफ मिले, परेशान नहीं होइए, जहां भी मिल रही हैं उनको उस तरफ ले आइए। अगर अभिकारक के साइड है, देखो कार्बन अभिकारक के साइड है, यहां भी अभिकारक के साइड, तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, संख्या का गुणा करेंगे और उसको उतार लेंगे। हाइड्रोजन अभिकारक के साइड है, अभिकारक के साइड ही चाहिए, तीन चाहिए, एक है, तीन का गुणा किया, उतार लिया, हो गया, और उसको जोड़ दिया। तो एक बार में दो अभिक्रियाओं के बीच संक्रिया कराइए। वैसे तो हम तीन या चार के बीच भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार में सरल करने के लिए हम दो दो अभिक्रियाओं के बीच संक्रिया कराएंगे। तो पहले कोई भी दो ले लेंगे, उसको जोड़ देंगे, जो अभिक्रिया आई उसके बाद अगली चीज ढूंढेंगे। भाई यहां हमको तीन ही कंपोनेंट है, दो अभिकारक और एक उत्पाद है, कभी कभी हो सकता है आपके पास सिर्फ एक अभिकारक और दो उत्पाद हो, कभी उल्टा भी हो सकता है, दो अभिकारक दो उत्पाद हो, तो जितने हैं उस हिसाब से आप ढूंढिए। फिर हमको उत्पाद चाहिए, बेंजीन, बेंजीन कहाँ है, पहली अभिक्रिया में। अब पहली अभिक्रिया में बेंजीन अभिकारक की ओर है, दिशा अलग अलग है, जब दिशाएं अलग अलग हो तो रिएक्शन को घुमा देना है और मान का चिन्ह बदल देना है। तो हमने घुमा दिया, मान का चिन्ह बदल दिया, उतार लिया, लेफ्ट और राइट साइड जो चीजें एक जैसी हैं उनको घटा देंगे या कटा देंगे, घटा देंगे या कटा देंगे मतलब इधर भी 6 CO2 है, इधर भी 6 है तो कट जाएगा, पर मान लो इधर 6 CO2 है और इधर 5 ही होता तो क्या होता, इधर का पूरा 5 खत्म कर देते और इसमें 5 घटाते तो यहाँ 1 CO2 बच जाता, ऐसा करेंगे तो फाइनली हमारी अभिक्रिया आ जाएगी, उसके हिसाब से इसको हल करेंगे और मान आ जाएगा। अभी किसी को दिक्कत, तो मेजर चीजें खत्म हो गई, बाद में आपको थोड़ी बहुत चीजें और दी हुई हैं, अभिक्रिया की ऊष्मा एंथैल्पी सेम चीजें रिपीटेड हैं, उदासीनीकरण की एंथैल्पी किसको कहते हैं, उदासीनीकरण की एंथैल्पी हम कहते हैं कि जब 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार के साथ पूरी तरह से उदासीन किया जाता है तो जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो उदासीनीकरण की एंथैल्पी कहलाती है। और मेरा ख्याल है अम्ल क्षार चैप्टर था आपका इसमें, हाँ बिल्कुल, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, याद कीजिए अरहीनियस का, जब आप पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए उदासीनीकरण की ऊष्मा हमेशा स्थिर होती है। अरहीनियस के अनुसार उदासीनीकरण में H+ और OH- क्रिया करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक छोटा सा है, उसको भी डील कर ही लें अगर बोर नहीं हो रहे हैं तो,
क्योंकि नियमानुसार हमको 20 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो 20 मिनट हो गया है, ऐसा करते हैं कि 2 मिनट आप लोग ऑफ कर लीजिए, थोड़ा बाहर की ओर हरी पत्तियों को 20 सेकंड तक लगातार देखिए, पानी वानी पीजिए, 10:20 पे हम उपस्थित होते हैं, ठीक है। किरचॉफ का नियम क्यों पढ़ना है? आपने एंथैल्पी परिवर्तन पढ़ा, एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब C+O2, ये किया भाई, हमको CO2 मिला, इस दौरान हमने पढ़ लिया 94.3 किलो कैलोरी ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। ये जो गणनाएं की गई हैं, ये गणनाएं 25 डिग्री सेल्सियस पर और 1 वायुमंडलीय दाब पर की गई है, मानक अवस्था में की गई है, इसलिए इनको मानक एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। अब अगर मैं इस अभिक्रिया को 0 डिग्री सेल्सियस पे कराऊं, 25 पे नहीं कराता, तो क्या एंथैल्पी का मान यही रहेगा? या अगर इसी अभिक्रिया को मैं 70 डिग्री सेल्सियस पे कराऊं, तो क्या एंथैल्पी का मान यही रहेगा? सोचने वाली बात है। आपने 25 डिग्री पे कराया, मान प्राप्त हुआ, आपने लिस्ट बना दिया कि भाई मानक एंथैल्पी ये है, तो हम जितनी भी गणनाएं करते हैं किसी भी ताप पे क्यों ना कर रहे हो, हम मानक अवस्था का मान ले लेते हैं। लेकिन फैक्ट तो ये नहीं है ना, फैक्ट तो ये है कि इस मान की गणना 25 डिग्री सेल्सियस पे की गई है, जबकि हमारी जो गणना हम करना चाह रहे हैं वो 0 डिग्री पे करना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया की ऊष्मा पर, उसकी गणना के लिए किरचॉफ ने एक समीकरण दिया। बड़ा आसान है अगर आप बेसिक समझ लें तो। क्या बेसिक है? बेसिक ये है कि मान लो मैं अभिक्रिया की एंथैल्पी गणना करना चाहता हूं 70 डिग्री पे, तो दो संभावनाएं हैं। पहले मैं ताप बढ़ा लूंगा और फिर क्रिया करा के गणना करूंगा, दूसरा क्रिया करा के फिर ताप बढ़ाऊंगा और फिर गणना करूंगा। दोनों ही संभावनाएं हो सकती हैं कि पहले आप अभिकारक के तापमान को बढ़ा लें और बोले अब क्रिया कर भाई 70 डिग्री पे, और दूसरी संभावना ये है कि आप अभिक्रिया तो नॉर्मल टेम्परेचर पे करा रहे हैं, लेकिन जैसे ही उत्पाद बनता है तापमान आप 70 डिग्री पे बढ़ाते हैं और बोलते हैं अब मेरे को जानना है कि अभिक्रिया एंथैल्पी कितनी है। तो दो विधियां हुई, हम दोनों विधियों से देखते हैं। माना एक परिवर्तन है, ए से बी में परिवर्तन करना, ये हमारा अभिक्रिया है। अब इस परिवर्तन को हम दो ताप पर कराने वाले हैं, जहां ए अभिकारक है और बी क्रियाफल है। माना T1 तापक्रम पर ए से आरंभ होकर T2 तापक्रम पर परिवर्तन करना है, हमको ताप बढ़ा देना है। तो दो प्रकार से हो सकता है। पहली विधि कहती है कि ए से बी परिवर्तन T1 तापक्रम पर कराया जाता है और बाद में उत्पाद के ताप को T1 से T2 तक बढ़ा दिया जाता है। फाइनली हमको T1 से T2 तक जाना है, ताप को कहां तक बढ़ाना है? T1 से T2 तक। तो पहली विधि कहती है कि परिवर्तन T1 ताप पर किया गया, ताप पर कराया गया और B का ताप T1 से T2 तक बढ़ा दिया गया, हो गए, पहुंच गए T2 तक हम। एक तरीका तो ये है। तो क्या हुआ, परिवर्तन अगर ए से बी आपका T1 ताप पे होता है तो मान लो एंथैल्पी परिवर्तन कितना है, H1 है, ठीक है ना। इसके लिए हम ये मान लेते हैं एंथैल्पी परिवर्तन, माना
T1 ताप पर, क्योंकि अभिक्रिया किस ताप पर कराई है आपने, परिवर्तन T1 ताप पर कराया गया है, तो T1 ताप पर एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो है डेल H1। और अब हम पहुंच गए हैं B पे, और B के तापमान को T1 से T2 तक बढ़ाना है, तो ऊष्माधारिता स्थिर दाब पर करा रहे हैं, ये ध्यान रखना ये प्रक्रम। तो ऐसी स्थिति में स्थिर दाब पर B का ताप T1 से T2 तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी, इसको हम Q1 मानते हैं, और ये आपका होगा CpdT। याद है आपको ना, Cp बराबर क्या होता है, Qp/dT, यही था। तो हमने Q निकालना है, dT इधर कर दिया, CpdT किसका है, ये B का है, ठीक है। तो CpbdT कर सकते हैं आप इसको, या डेल्टी, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि B के लिए है QB, तो ये आ जाएगा आपका CP(B)∆T। इसमें किसी को दिक्कत है दूसरे स्टेप में? अब देखिए कुल ऊष्मा परिवर्तन कितना होगा, कुल ऊष्मा परिवर्तन ∆H1 प्लस ∆T CpB, समीकरण नंबर 1। ये किससे हुआ, पहली विधि से। दूसरी विधि में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। दूसरी विधि में हम पहले क्या करेंगे, A का तापमान T1 से T2 तक बढ़ा लेंगे, A का ताप T1 से T2 तक बढ़ाया, फिर T2 ताप पर परिवर्तन कराया, यानी जस्ट उल्टा। तो ऐसे में फिर वही आएगा, B का ताप की जगह क्या आ जाएगा, A का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। वाक्य पूरा लिख सकते हैं आप, ये होगा आपका ∆T CpA, क्योंकि A का ताप बढ़ा है और एंथैल्पी परिवर्तन हुआ हमारा ∆H2। तो कुल ऊष्मा परिवर्तन कितना हुआ भाई, ∆H2 प्लस ∆T CpA, समीकरण नंबर 2। पर हेस का नियम तो कहता है कि परिवर्तन चाहे एक विधि से कराओ चाहे किसी और विधि से कराओ, कुल ऊष्मा परिवर्तन समान होना चाहिए, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, बराबर होना चाहिए। चलिए ऊपर का थोड़ा मिटाता हूं मैं, पूरा नहीं मिटा रहा हूं। हेस के नियमानुसार समीकरण 1 को बराबर होना चाहिए किसके, समीकरण 2 के, मान रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 हमारा है ∆H1 प्लस ∆T CpBबराबर ∆H2 प्लस ∆T CpA। तो ऐसा करते हैं,
H2 को यहीं रहने देते हैं, H1 इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डेल H2 माइनस डेल H1 बराबर डेल टी सीपीबी माइनस डेल टी सीपीए। पक्षांतर करेंगे तो ये पूरा इधर, ये पूरा इधर आएगा, इसलिए मैंने अगल बगल लिख दिया। अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं डेल डेल एच बराबर, यहां भी डेल टी है तो कॉमन ले लेते हैं डेल टी, और ब्रैकेट में आ जाएगा सीपी बी माइनस सीपी ए। सॉरी, तो ये आ गया आपका डेल को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, बगल में लिखते हैं, है ना, ये हो जाएगा डेल डेल एच बटा डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, दाब स्थिर है, ये बराबर होता है डेल सीपी डेल सीपी के। ठीक है, तो ये आपको मान मिल गया भाई, ये है किरचॉफ का समीकरण, इसी को हम कहते हैं किरचॉफ का समीकरण। इस बात को ध्यान रखा जाए कि यह समीकरण स्थिर दाब के लिए है, स्थिर आयतन के लिए करेंगे तो सीपी की जगह क्या हो जाएगा सीवी, और डेल एक्स की जगह हो जाएगा डेल यू। स्थिर आयतन पर आपको मिलेगा डेल डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू डेल सी वी। किसी को इसमें दिक्कत है तो बताएं जल्दी, है क्या, नहीं है, बढ़िया, ये आपका पहला यूनिट खत्म होता है फिजिकल का, बढ़िया तरीके से खत्म हुआ है, चेक कीजिएगा और फिर हम ऊष्मागतिकी दो शुरू करेंगे। ठीक, ऊष्मागतिकी दो और मजेदार है, देखिए समीकरणों से डरिए नहीं, बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वगैरह में कम समीकरण पढ़ते हैं, बारहवीं में हम लोग खुद उसमें से हैं, है ना, हम लोग समीकरण देखते थे तो हमको डर लगता था, अरे बाप रे पता नहीं क्या है, छोड़ दो थ्योरी थ्योरी पढ़ो, उसी पढ़ के जाएंगे। पर आप नोटिस करें कि समीकरण हल करने के लिए आपको कोई बहुत गणित जानने की जरूरत नहीं, एक आध स्टेप में कोई गणित हो तो वो याद किया जा सकता है, आप अगर गणित बैकग्राउंड से नहीं है, अदरवाइज आप नोटिस करें कि सिर्फ गुणा है, भाग है, पक्षांतर है, जोड़ है, घटाना है, इतना ही है। ठीक है, तो इतना तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जितने भी समीकरण की व्युत्पत्तियां हैं तो खूब प्रैक्टिस करें, घर में खूब समय मिला हुआ है आपको, इस्तेमाल कीजिए, और उससे जब आप इस पेंडेमिक से बाहर निकल के आए तो आपके पास जरूर कोई ना कोई एक अचीवमेंट होना चाहिए कि मैं ये सीखा इस दौरान। हम जब मिलेंगे तो मैं आप लोगों से ये जरूर पूछूंगा, और इसको मेरे को आप राइटिंग में भी देंगे और इसको आप मेरे को करके भी दिखाएंगे कि सर इस पेंडेमिक ये 6 महीने के दौरान हमने ये सीखा। किसी ने अगर बॉडी बनाई होगी तो मैं वो भी देखूंगा कि कितनी बनाई है, किसी ने अगर अपना वजन कम किया होगा तो उसको पहला का फोटो और बाद का फोटो दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा 10 किलो वजन मैंने कम किया। किसी ने अगर पेंटिंग सीखी है, ड्राइंग सीखी है, म्यूजिक सीखा है, किसी ने कहा कि नहीं सर मैंने अपना गणित बड़ा अच्छा तैयार कर लिया है, मेरे को पहले ये नहीं आता था ये आता था, इसका लाभ उठाइए ना, टाइम को वेस्ट मत करने दीजिए, अभी भी समय है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, और मैं आऊंगा तो आप लोग को फाइनल के लिए कुछ कोर्सेस बताऊंगा, छोटे छोटे कोर्सेस हैं, फ्री हैं, आईआईटी से हैं, आईआईटी बैंगलोर आईआईटी मुंबई वाले फ्री में दे रहे हैं कोर्स आप लोगों को, छोटे छोटे कोर्स हैं, कोई 4 हफ्ते का कोर्स है, कोई एक जब शुरुआत होगी ना गर्मी के टाइम के लिए तो मैं कुछ कोर्सेस बता दूंगा, वो कर लीजिए, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा तो बढ़िया, आपके काम भी आएगा फ्यूचर में, है ना, ऐसे खाली खाली बीएससी करके निकलने का मतलब नहीं है अभी। चलिए ठीक है, आज के लिए यहाँ पर।